Oh. एक सेकंड, तुम लोग के चैट विंडो सामने लाने दो मुझे। ठीक, ओके। सो थिंग्स टू नो, पहले कुछ चीजें मैं तुम लोग को बता दूं रिगार्डिंग, इससे पहले तुम लोग साइन अप करो। एक तो ये कि केडीपी पेज रॉयल्टीज एवरी मंथ, एंड इनका जो पीरियड होता है पे आउट करने का वो 60 डेज होता है। जैसे कि आपने शायद सुना होगा, जैसे फाइबर पे 14 डेज होता है, ठीक है, हर 14 दिन के बाद जो है ना पेमेंट आपके पास आती है। केडीपी पे पहला महीना जो होता है इस वेयर यू अर्न। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कह देता हूँ कि आप लोग ने अर्निंग करी अप्रैल में, आप लोग को अप्रैल में पैसे नहीं मिलेंगे, आप लोग को पे आउट होंगे आफ्टर 60 डेज, दैट इज अप्रैल। अब आप लगा ले जिस दिन भी आपने आपकी जो अर्निंग हुई है उसके एग्जैक्ट 60 डेज बाद कितने बन जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स इस तरह के करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया फाइवर भी ये करता है, आई थिंक अपवर्क भी यही करता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है इज $100। इसका लिंक भी है मेरे पास, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ले लें, चेक कर लें इसको, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन $100 है। यही चीज आप यूरोप में ले जाएंगे तो आई थिंक इट्स 100 यूरोस इंस्टेड ऑफ $100, बट ऐसे ही हर जगह मतलब 100 का ही थ्रेश होल्ड है। पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स में भी 100 पाउंड्स जब आप अर्न कर लोगे देन यू विल बी एबल टू विदड्रॉ इट। यू विल गेट 30% रिडक्शन ऑन योर हार्ड अर्न इनकम इफ यू डू नॉट हैव ITIN और TIN, ठीक है। अभी मेरी बात हो रही थी अपने PM से, उनमें से कुछ ऐसे हैं और खासकर दो जिन्होंने जो है ना ITIN नंबर नहीं यूज करा हुआ, लेकिन दे आर सम जुगाड़ टू दिस, ठीक है। आई वॉज जस्ट टेलिंग देम अभी कि आई हैड लाइक 5 अकाउंट्स बैक 2016-2018 में, एंड उनमें से जो है 2 ITIN के ऊपर चल रहे थे, दो जो थे हम लोग NTN पे चला रहे थे, या 2 CNIC पे चला रहे थे और एक उस पर चला रहे थे हम लोग NTN पे। वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ सेकंड्स लगते हैं सेटअप करने में, ठीक। एंड सो हियर वी गो। एंड हाँ, लास्टली यू कैन हैव 3 authors अंडर 1 account name। इसके ऊपर भी मैं मजीद डिटेल में बात कर लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग फोकस इस पे लेके चलें कि अभी आप लोग को का जो बुक्स का टारगेट है विच इज 3 बुक्स, उसके ऊपर आप लोग को रहना है, ठीक है। विजिट kdp.amazon.com, साइन अप करना है आप लोग ने। साइन अप करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा दैट यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट, चाहिए यहाँ पे फिल इन करने की जरूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्रिएट KDP अकाउंट। नेक्स्ट ये है अंडर step 3, गाइस प्लीज अपनी वीडियो ऑफ कर दो। You have to type in your name, email address and password. Pretty self-explanatory. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। And then step 4, you have to accept the terms of service. Step 5, welcome to your dashboard. So yeah, this is where you'll end up. If you guys want, तुम लोग साथ साथ sign up कर भी सकते हो ताकि कुछ चीजें मैं तुम लोग explain करना कर सकता हूँ। बाद में फिर तुम लोग confused ना हो। Let me know if you guys want to do it along while explain. Okay, because this session is all about just about creation of your account. completing info, you have to just select Pakistan from here +92. अपना number डालो, next OTP, fill in your information, author, publisher, जो भी आप रखना चाह रहे हो सारी information डालो. Getting paid now, this is where I was getting a lot of queries. कुछ लोगों ने खुद से sign up करा था लेकिन they were getting confused over this.
वो बोल रहे थे कि सर हमारे पाकिस्तान से वी डू नॉट हैव अ यूएस अकाउंट, और जब हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप हम अपने आप को बैंक वायर कर सकते हो. सो यू जस्ट नीड टू हैव अ पियोनीर अकाउंट और दूसरे भी अकाउंट से जैसे ट्रांसफरवाइज वगैरह, लेकिन अभी मैं तुम लोग को पियोनीर से बता देता हूँ. पियोनीर अकाउंट तुम लोग जो है सेलेक्ट करो. पियोनीर अकाउंट, अच्छा जब तुम लोग यहाँ से यूएसए सेलेक्ट करोगे, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करोगे, तो तुम लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सामने. ठीक है, यू विल हैव टू इनपुट योर बैंक करेंसी, अकाउंट होल्डर नेम, टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर एंड नेम ऑफ बैंक. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोग को बहुत इजीली जो है ना पेमेंट के थ्रू मिल जाएगी. ठीक है, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू लॉग इन टू योर पेयोनीर अकाउंट एंड आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू गाइस ऑलरेडी हैव इट. एक सेकंड, तुम लोग की तो चैट बार बार बंद हो जाती है. इंडिविजुअल अकाउंट, यू डोंट नीड अ कंपनी अकाउंट. ठीक है, एक सेकंड रुकना है यार, मुर्तजा का मैसेज आया है. या ठीक है, एक तो ये हो गया. फिर उसके बाद जी मैं अभी इस बारे में बात करूंगा. मैं अभी आप लोग को बता दूंगा. इफ यू वांट टू गेट सम राइटर्स फॉर योरसेल्फ यूज इन फाइबर, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा अभी आपको. लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट. जस्ट हैव टू गो ऑन योर ग्लोबल पेमेंट सर्विस रिसीव के अंडर. ठीक है, लेट मी कनेक्ट माय चार्जर क्विकली. ठीक है, ग्लोबल पेमेंट सर्विस को सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन यूएस ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन. यूएस को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स. ठीक है, व्यू डिटेल्स के बाद दिस इज नॉट माई इंफॉर्मेशन. सही है, मैंने ये ऑल ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन वॉज मतलब मैंने खुद ली है, लेकिन ये वाली मैंने इंफॉर्मेशन नेट से उठाई है बिकॉज या सो तो द इंफॉर्मेशन दैट यू विल नीड, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस कॉपी बटन इन फ्रंट ऑफ ईच नंबर एंड कॉपी करके पेस्ट करते जाओ. मैं जैसे तुम लोग अभी ऊपर दिखाया था, बैंक नेम की जरूरत होती है, राउटिंग नंबर की जरूरत होती है, अकाउंट नंबर की जरूरत होती है, और तुम लोग क्या जो वहां पे नाम बैंक अकाउंट जिसके नाम पर है उसका नाम चाहिए होता है, बस दैट्स इट. इन तीन नंबर्स की तुम लोग को जरूरत होगी, दो इन दो नंबर्स की जरूरत होगी और बैंक नेम की जरूरत होगी. तुम लोग एज इट इज इन सारी चीजों को डाल दोगे और ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से तुम लोग का साइन अप हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद टैक्स इंफॉर्मेशन आती है. दिस इज नॉट अ ट्रिकी पार्ट बट सम पीपल गेट कंफ्यूज्ड. काफी लोग काफी कुछ यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं वैसे तुम लोग को एक बात बता दूं, दे आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस. ठीक है, वन इज के जब लोग साइन अप कर रहे होते हैं तो यूजली उनके दिमाग में एक चीज आती है कि दे वांट टू एनलिस्ट देमसेल्व्स एज कि वो पाकिस्तान से कर रहे हैं. ठीक है, अब जब हम पाकिस्तान से कर रहे होते हैं तो देयर टू वेज. एक, आप ITIN नंबर के थ्रू कर लो. ठीक है, दूसरा जैसे मैंने आप लोग को बताया, कुछ लोग NTA नंबर डाल देते हैं, कुछ लोग बस जस्ट फॉर द सेक कोई नंबर डाल रहे हैं वो लोग अपना CNIC नंबर डाल देते हैं. ठीक है, आई नो समवन, अभी अब मैं तो 2018 की बात कर रहा हूँ जिस वक्त हम लोग ने ये चीजें करी थी, लेकिन आई नो समवन एज ऑफ नाउ, अ फ्रेंड, अ फीमेल फ्रेंड हु इज बेसिकली यूजिंग हर CNIC नंबर एज ITIN एंड शी हैज गॉट हर अकाउंट
verified, tax information verified. ठीक है, for some reason I don't know how they do it, but this is how people are doing it as of now. मैं तुम लोगों को दोनों तरीके बता देता हूँ. This is what you see. Please अपनी videos बंद कर दें यार. This is what you see when you click on tax. यहाँ पे complete tax information. This is the first page that you see. यहाँ पे what is your tax classification? मैं assume कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग जो है 99% जो है इंडिविजुअली अपने आप को एनलिस्ट करेंगे. तो इंडिविजुअल करने के बाद फॉर यूएस टैक्स पर्पसेस आर यू यूएस पर्सन, यू हैव टू क्लिक ऑन नो इफ यू आर नॉट अ यूएस पर्सन. इफ यू आर इन यूएस देन आपका काम और आसान हो जाता है क्योंकि आप SSIN के साथ जो है ना बहुत आराम से सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ जो है आप लोग SSN नंबर के साथ जो आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हो. ठीक है, सो इफ यू आर अ यूएस पर्सन, इफ यू आर नॉट अ यूएस पर्सन यू सपोज टू क्लिक ऑन नो. आफ्टर यू क्लिक ऑन नो यू विल सी दिस प्लेस. सही है, यहाँ पे आपने फुल नेम डालना है, कंट्री, सिटीजनशिप, एड्रेस वगैरह सारी चीजें आप लोगों ने डालने के बाद आप लोग को जो है अपना नाउ हियर इज द पार्ट. सही है, यू सी दिस प्लेस ओवर हियर. ठीक है, आई हैव अप्लाइड अ 10 बट नॉट बट हैवंट रिसीव्ड येट. सम पीपल टिक ऑन दैट एंड देन कंटिन्यू. So some people click on the country where I liable to pay tax does not issue 10 to its residents. Some people click on this and continue. सही है, तो ये दोनों options भी लोग continue कर लेते हैं दोनों पे click करके. तो होता क्या है जब आप इन पे click करते हो, जब आप इन पे click करते हो then your Amazon जो है आपके ऊपर withholding tax withholding लगाएगा 30% की. ठीक है, आपकी total hard earned income के ऊपर. तो अगर आप $1,000 आपने बनाए में 30% उसमें से निकाल दिया, $300 आप लोग के विदहोल्डिंग में चल जाएंगे. सो अगर एक और तरीका इसका ये है, अच्छा सो बिफोर आई कंटिन्यू, इसके अब दो तरीके आ जाते हैं. सही है, इसमें आ जाते हैं कि आप कोई भी नंबर अपना CNIC डाल दो, NTN डाल दो, चीजें जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है अवेलेबल. दूसरी चीज ये है कि आप ITIN नंबर के लिए अप्लाई करो, लेकिन ये नंबर जो आपके पास आएगा ये आपके पास तकरीबन 30 दिन के अंदर आएगा. सही है, वैलिड होगा 100%, कभी कोई इशू नहीं आएगा फ्यूचर में, लेकिन टेक्स अराउंड 30 डेज. सही है, पाकिस्तान हैज अ टैक्स ट्रीटी विद यूएस, ये पूरी उसकी इंफॉर्मेशन है. यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ के हम लोग की ट्रीटी है इन लोग के साथ और आप लोग को टैक्स नहीं पड़ेगा. ये मैंने यहाँ पे लिंक करा हुआ है. यू विल नीड टू ऑब्टेन एन ITIN नंबर इन ऑर्डर टू क्लेम द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय टैक्स ट्रीटी. सही है, एंड डाउनलोड एन एप्लीकेशन, डाउनलोड द एप्लीकेशन ओवर हियर अप्लाई करने के लिए. ये मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है. इस एप्लीकेशन को फिल आउट करने के लिए प्रॉपर तरीका जो यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, 90-70% लोग इसको पढ़े बगैर जो है ना इस पूरी फॉर्म को फिल कर देते हैं. सही है, और फिर होता क्या है रिजेक्शन आ जाती है ऑन वेरी पेटी इश्यूज. सही है, तो बेहतर ये है कि तुम लोग इसको पढ़ लो और फिर फिल आउट कर दो. दोज़ ऑफ यू हु वांट टू अप्लाई फॉर ITIN, वरना यू कैन गो अहेड विद अ नॉर्मल CNIC और NTN. सही है, आई वुड सजेस्ट गो विद NTN. सही है, एंड दैट्स इट. यहाँ पे फिर आखिर में सिग्नेचर करना होगा, टाइप इन योर फुल नेम, सेंड एंड प्रीव्यू. यहाँ पे तुम लोग का टैक्स इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा. एग्जिट टैक्स इंटरव्यू करने के बाद तुम लोग का लिखा आ जाएगा कि तुम लोग की टैक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है. सही है, एंड या ठीक है, अगर तुम लोग ने अपना प्रॉपर नंबर डिफाइन कर दिया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अभी नहीं करा हुआ. ठीक है, क्योंकि आई वेंट ऑन विद द ऑप्शन जो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हुआ है. ठीक है, तो तुम लोग के पास ये आ जाएगा. इफ यू पुट इन योर, अगर तुम लोग टेस्ट भी करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो. NTN नंबर या CNIC डाल दो तो तुम लोग का ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा 30% वाला क्लॉज. ठीक है, एंड अब रिगार्डिंग समवन वाज आस्किंग मी कि अगर मुझे आप कुछ राइटर्स सजेस्ट कर दो फॉर फॉर किंडल. प्लीज अपनी वीडियोस आप लोग ऑफ कर दें, मैं आप लोग से कितनी बार बोलूं, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ. ठीक है, तो कुछ लोग मुझसे अभी ये बात बोल रहे थे कि प्लीज राइटर सजेस्ट कर दें. तो आई वुड से कि अगर आप लोग को राइटर चाहिए तो जस्ट गो ऑन फाइवर इंस्टेड. ठीक है,
ईबुक राइटर्स हैं आपके पास? रुकिएगा, मैं जरा एक टर्म सर्च करना चाह रहा हूँ, IDPLR। ठीक है, तो हमारे ये दो प्लेटफॉर्म्स में जानता हूँ, सही है, आप अपवर्क पे भी जाके करवा सकते हो। ठीक है, ई बुक कवर डिजाइन के लिए आप लोग यहाँ जा सकते हो, दिस गाय ओवर हेयर, मैं आप लोग को एक बंदा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ इस बंदे से हम लोग ने अपने सारे ई बुक्स डिजाइन करवाए थे। रुक जाए एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाता है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली अभी है नहीं, लेकिन उसके पास तकरीबन 350 ऑर्डर्स इन क्यू होते हैं, और वो जो बंदा है या कंपनी है या जो भी है, जैसे इसके सिर्फ 15 ऑर्डर्स इन क्यू है ना, उसके 350, 400, 450, 500 ऑर्डर्स इन क्यू होते हैं। ये लोग कमा रहे होते हैं, पागलों की तरह कमा रहे होते हैं। ई बुक कवर्स का भी बहुत ज्यादा वो है, एंड जस्ट सो दैट दिस इज टू ऑल द डिजाइनर्स आउट देयर के जो इंटरेस्टेड है। और वैसे इसमें कोई डिजाइनिंग की बहुत क्रेजी कोई नीड है भी नहीं, इसमें बस आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए क्या ई बुक कवर दिखना कैसा चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सो यू कैन जस्ट गो इन द ई बुक कवर डिजाइन सेक्शन टू गेट योर कवर डिजाइन, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। एल्स यू कैन, मतलब आई वुडंट टेल यू टू डिजाइन योर ओन कवर, दिस इज लाइक क्या $15 के अंदर आप लोग अपना ई बुक कवर डिजाइन करवा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट टू गेट इट डन फ्रॉम हियर इंस्टेड। ईबुक राइटर के लिए गो थ्रू हियर, आई एम श्योर के मसूद भी राइटर है एंड ही कैन रिकमेंड अ लॉट ऑफ गिग्स, एंड प्रोबेबली वो खुद अपनी गिग्स भी आप लोगों को शायद ऑफर कर देगा। यू कैन गो थ्रू वन ऑफ दीज प्लेसेस, जस्ट मेक श्योर जब आप लोग फाइवर पे कोई भी गिग सेलेक्ट कर रहे हो टू गेट योर ईबुक डन, जस्ट मेक श्योर अबाउट दिस वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जाते हो, वेट करें, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जाके भी कर सकते हो, बुक एंड ई बुक राइटिंग। ठीक है, अब आप लोग यहां पर आए हो, रिमेंबर दिस रूल ऑफ थम, जब भी आप लोग फाइवर से कोई भी गिग सेलेक्ट कर रहे हो और यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं जो भी गिग सेलेक्ट करूं वो बेस्ट राइटर हो, ठीक है, एक चीज पहला ये कि उसकी रेटिंग जो है 5 हो या 4.9 हो, 4.8 नहीं होनी चाहिए, 4.9 और 4.0 और 5, नंबर वन। नंबर टू, टोटल रिव्यूज जो उसके हों उसके 3 figures में हो, मतलब 100+ हो उसके। डू नॉट कंसिडर राइटर्स जिनके 79, 31, 19, ये तीनों मैं कभी भी कंसिडर नहीं करूंगा, आई स्टिल कंसिडर दिस वन, लेकिन आई मतलब मैं एक बार बता रहा हूं, अगर मैं आप लोग की जगह हूं तो आई वुड स्टिल गो स्क्रॉल डाउन एंड लुक फॉर अदर्स एज वेल एट द इन द सेम कैटेगरी। आई वुड रिकमेंड हिम फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर बुक डिस्क्रिप्शन, सो या यू कैन ऑल्सो हायर गिग्स फॉर बुक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड या तो बस ये दो चीजें तुम लोग को याद रखनी है जिस वक्त तुम लोग सेलेक्ट कर रहे हो। दिस सेशन जी बोलिए, वेल गोस्ट राइटर इज बेसिकली फॉर समवन हु राइट्स स्पीचेस और टेक्स्ट और जर्नलिस्टिक राइटिंग जो करता है बेसिकली। इफ यू टेक द सेम गोस्ट राइटर इन अ डिफरेंट जॉनरा, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, देन दे राइट सॉन्ग्स, लिरिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल पीसेस वगैरह। जी, कॉपीराइट फ्री,
Yes, you're supposed to hunt niches, but I just wanted to keep this session short on the account creation. And if you have some questions, please throw it away. But just so that you guys know, jo next session hoga, it would be on outsourcing. ठीक है, कैसे करनी है तुम लोग को रिसर्च ओवर किंडल कैसे करना है टू, एंड नंबर थ्री आप लोग को जो है कैलकुलेट कैसे करनी है अपनी अर्निंग्स ऑन एन एवरेज. ठीक, ओके, आई जस्ट शेयर देम. Today I'll start taking questions on voice, say, instead of, लेकिन that does not mean के आगे यही rule रहेगा. Rule वैसे हमारा sheet वाला रहेगा, but because session हमारा छोटा था overall, तो I'll start taking questions on this. And wait, मुझे अपना सुनने pen का. जी मोतिशम, वेट. हाँ मोतिशम, सलाम वालेकुम. अच्छा जी, बस क्वेश्चन मेरा छोटा सा था कि अगर हम अभी, क्योंकि सीएन हमारा एनटीएन जो होता है वो हमारा सीएनआईसी ही होता है पाकिस्तान में, तो अगर हम अपना, क्योंकि मुझे भी याद पड़ता है मैंने अपना सीएनआईसी ही डाला था जब मैंने रजिस्टर किया था, जब सनी भाई की पोस्ट आई थी. तो अगर हम अपना सीएनआईसी डालते हैं, सही है, और बाद में और at the same point हम अपना ITIN भी apply कर देते हैं, सही है, for instance. तो ऐसा हो सकता है कि हम बाद में, अभी हम start कर दें, बाद में जाके उसको change कर दें. वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, इसमें कोई मसला है नहीं. तो अगर CNIC डालते हो ना, तो we had an account, we ran it for over 2 years now. अब मतलब मैं इस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा था, क्योंकि हो सकता है कि लोगों का अपना जो है सिस्टम 2018 के बाद सिर्फ ये, बिकॉज देखो दिस इज अ वेरी स्मॉल एरिया, सही है, एंड दिस इज नॉट रिसर्च एरिया, दिस इज नॉट पब्लिशिंग, दिस इज नॉट गेटिंग योर वर्क डन फ्रॉम और गेटिंग योर वर्क डन थ्रू आउटसोर्सिंग और एनीथिंग, राइट. दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया, तो कभी कभी बहुत छोटे छोटे एरियाज भी चेंज हो जाते हैं. तो इफ यू हैव सीएनआईसी दैट वुड वर्क फॉर एज लॉन्ग एज यू रनिंग योर किंडल अकाउंट, यू वुडंट नीड एन आईटीआईएन. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज ऑफ दैट 30% इशू. नहीं, वो वैसे भी नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर अगर यू यूज द सीएनआईसी, अगर तुम सीएनआईसी यूज कर रहे हो, सही है, तो तुम्हारे पास नहीं लगेगा, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट अ नंबर. अगर तुम ये बोल रहे हो कि ITIN नंबर मुझे इशू ही नहीं होगा, जहां पे मैं तुम्हें एक सिलेक्शन दिखाया था, ऊपर मैं तुम्हें दिखा देता हूं. अगर तुम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, आई हैव, लेट्स सपोज आई हैव अप्लाइड फॉर अ 10 बट हैवंट रिसीव्ड इट येट, नंबर 1. नंबर 2, द कंट्री वेयर आई एम लायबल टू पे टैक्स डज नॉट इशू 10s टू इट्स रेजिडेंट. इस वाले पे तो तुम्हें 30% विदहोल्डिंग पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, अनलेस के तुम अगर जो है ना अपने सीएनआईसी नंबर डाल देते हो, ठीक है, और फिर तुम आगे प्रोसीड कर लेते हो, तो फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन थोड़ी आएगा. अच्छा अच्छा, हाँ, ये ऑप्शन नहीं आएगा तुम्हारे पास. I have a non-US 10 के ऊपर क्लिक करोगे, देख रहे हो तुम ये ऑप्शन, देख रहे हो, इसके ऊपर टिक करोगे और फिर उसके बाद तुम अपना नंबर डाल देना. चले, सही, थैंक यू. अच्छा, मैं अभी ये कॉपी लिंक वाली बात पे आता हूँ, अभी एक मिनट रुकिएगा आप लोग. जी जुल्कर्णन, मुझे ये पूछना था कि ये जो आईडी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, अब आपने बताया था कि अगर हम अपना एंटीन वगैरह जो भी सपोर्ट करते हैं तो 30% हमें डिडक्शन लगेगा, तो लेटर ऑन जब जाहिर फॉर एग्जांपल इफ वी आर अर्निंग गुड,
तो लॉन्ग टर्म में तो हमारे लिए यही फीजिबल है ना कि हम ITIN की तरफ जाएं अगर हमारे 30% डिडक्ट ना हो. नहीं, आप लोग 30% डिडक्ट नहीं होंगे ना, ये तो मैं बता रहा हूँ. अच्छा नहीं होंगे. हाँ, ये मैं आप लोग को बता रहा था. मैं आपको बता दूँ, रुके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ. मैं बता रहा था कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनको ITIN का नहीं समझ आ रहा होता और उनको ये होता है कि यार मुझे कोई डालना है, मतलब 10 ही डाल देता हूँ, चलो मैं 10 ही जब मुझे मिल जाएगा तो मैं डाल दूंगा. तो जो आपको मैंने फिर भी बता दिया कि आप 10 के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज वी यूज्ड जनरल CNIC नंबर ऑन आर अकाउंट्स. सी दैट वर्क्ड वेल फॉर वेल ओवर 2 years, ठीक है? देन वी सोल्ड दोस अकाउंट्स. नाउ अब yeah, I have US 10, right? Yeah, so yeah, you can use that, definitely. If you have a 10, then you can use that. So, ठीक है, अगर आप इसके पर क्लिक करते हैं, I have a non-US 10, you can continue with your CNIC. एक मिनट रुकिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ. या जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो लास्ट टाइम आपने किंडल के ऊपर बात की थी, तो उसमें आपने मेंशन किया था कि 5000 वर्ड्स की एक बुक होनी चाहिए. मैंने एक बुक लिखी है जो कि 35K वर्ड्स की है, क्या मुझे उसको तीन बुक्स में मैं कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि वो कोई स्टोरी बेस्ड नहीं है, या फिर आप रिकमेंड करते हैं कि मैं दो और बुक्स 35K वर्ड्स की लिखूं? आपको बताऊं, कोई मसला नहीं अगर आपने 35K की लिखी हुई है, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन. आई एम जस्ट सेइंग कि शॉर्ट रीड्स जो होती है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, वो शॉर्ट रीड की तरफ जाते हैं, सही है? आपने शॉर्ट रीड्स, जैसे हम लोग ने इंटीरियर डिजाइनिंग पे बना दी, या आपने गार्डनिंग के ऊपर हम लोग ने करी थी, सही है? शॉर्ट रीड्स भी होती हैं, और उसी के ऊपर आप फिर डिटेल भी लगते लिख सकते हो. आपको लगता है कि दैट यू हैव अ बुक एंड बिकॉज यू हैव द टेंडेंसी टू राइट अप टू 35,000 वर्ड्स, देन दैट इज फाइन. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनका बकायदा, जैसे माशाल्लाह आस्का आप तो राइटर हो ना? यस सर. है ना, तो यू कैन डू दैट, या समवन कैन गेट इट डन थ्रू अ राइटर कि 35,000 वर्ड्स का जो उन्होंने वो करवा दिया. आई एम जस्ट सेइंग के फॉर पीपल जिनके पास इशू हैं, जिनके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, या जिनको ये है कि नहीं यार मैं 35,000 का नहीं लिखवा सकता, या 35,000 में मैंने तीन बुक्स लिखवानी है फॉर एग्जाम्पल, या चार बुक्स लिखवानी है, या पांच बुक्स लिखवानी है, तो फिर उनके लिए ऑप्शन है कि भाई आप शॉर्ट रीड्स की तरफ आ जाओ. शॉर्ट रीड्स का एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं आऊंगा. जब मैं आऊंगा तो तुम समझ जाना, अगर तुम्हें समझ आया तो तुम अपनी इस बुक को डिफरेंट सेक्शंस में तोड़ सकती हो. ठीक है, सही है? फिर तुम क्या कर सकती हो, अगर तुम्हारे लिए सपोज मैं एक बार बोल देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सही है? बिकॉज हमने कुछ ऐसा करा था, तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर लिखा, सही है? अब तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर लिखा, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं, सही है? इंटीरियर डिजाइनिंग में फिर फर्नीचर के ऊपर अगर तुमने बात करी, तो फाइबर ग्लास फर्नीचर अलग हो गया, रॉट आयरन फर्नीचर अलग हो गया, एंड देन वुड फर्नीचर अलग हो गया. तो तुमने इन तीनों के ऊपर एक एक बुक निकाल ली, और तुम चाहो तो तुम एक ही बुक निकाल लो और इसके ऊपर लिख लो, लेकिन दैट ऑल्सो मीन्स कि तुमने तीन बुक्स निकालनी ही निकालनी है. अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम 35,000 की तीन बुक्स निकाल लो 35 ईच, या 35, 20, 15, मतलब इस तरह वेरी कर लिया तुमने, या तो तुम अपनी 35,000 वाली बुक को जो है ना कैटेगरीज, उसमें आई एम श्योर 100% श्योर उसमें कैटेगरीज होंगी, उस बुक को जो है ना तुम 3-4-5 हिस्सों में तोड़ दो और फिर तुम उनको लॉन्च कर दो. ठीक हो गया, ये ठीक है सर. हाँ, बिकॉज मैं तुम्हें बताऊं, जितनी ज्यादा बुक्स तुम लिख सकती हो ना, उतना ज्यादा तुम्हारा जो है ना तुम्हारा जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि तुम अपने गोल्स उतने करीब पहुंचोगी इवेंचुअली. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच. जी मंसूर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अमेजोन PL के लिए जिसके नाम पे अगर हम ID बना रहे हैं, तो उसी के नाम पे अगर ये साइन अप कर लें, उसी का अकाउंट डिटेल वगैरह करके और उसका ITIN वगैरह यूज करके, तो आप इसके लिए सजेस्ट करेंगे कि हम ये कर लेना चाहिए या अपने नाम पे ही हम लोग करें?
Sorry, can you repeat your question? सर अमेजॉन पी एल के लिए हम जिसकी आई डी यूज़ कर रहे हैं यूएस से, अगर मेरा सपोज मेरा भाई उधर है, मैं उसकी आई डी उसकी क्रेडेंशियल्स वगैरह यूज़ करूँगा, उसका SSN यूज़ करूँगा उसके लिए, तो अगर इधर भी मैं उसकी सारी डिटेल्स यूज कर लूँ साइन अप करने के लिए, कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर सर अगर कल को मेरा उधर कुछ दूसरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आती है या अकाउंट सस्पेंशन होती है, तो उसका इफेक्ट इधर भी पड़ेगा या ये डिफरेंट साइन अप? मेरा नहीं ख्याल पड़ेगा, बिकॉज वो सस्पेंशन तुम्हारे उस पर्टिकुलर अकाउंट की वहां पर है फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, है ना? आई डोंट थिंक दैट शुड रिफ्लेक्ट ओवर हियर, दैट इज माय ओपिनियन, बट जैसे मैंने बोला है कि पीएल मैंने नहीं किया हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस कि इफेक्ट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू। ये वही वाली बात हो गई कि मेरा फेसबुक एड्स चलाता हूं मैं, मेरा फेसबुक एड्स बैन हो जाए तो मेरी प्रोफाइल भी बैन हो जाए, मतलब मेरी प्रोफाइल क्यों बैन हो रही है? मैंने प्रोफाइल से तो कोई वायलेशन नहीं करी ना, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी जी जी। तो हम लोग सबकी गूगल आईडीज होती हैं, गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो बैन हो जाता है। जी जी। हो जाता है? नहीं सर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सनी भाई सेड नो फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, रिगार्डिंग दो तुम बोल रहे हो कि फेसबुक आईडी बैन हो जाती है, मेरी एक बार आईडी बैन हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मैं अब आप लोगों को बता दूं, आप कितने भी एड्स अगर आप चला लो, आपकी आईडी दैट रियली डिपेंड्स, अगर तुम कॉपीराइट इश्यूज बार बार करे जा रहे हो और ट्रेडमार्क इश्यूज करे जा रहे हो तो यू माइट गेट बैन। मेरी फेसबुक आईडी एक बार बैन हो चुकी है, सही है, तो आई नो कि हाउ दैट गोज अबाउट। लेकिन अगर तुम ये बात कर रहे हो कि तुम्हारा एड अकाउंट बैन हो जाता है, तो मेरे कम से कम 50 से 100 एड अकाउंट्स बैन हो चुके होंगे, ठीक है, मेरी आईडी उस बेसिस पे एक बार भी बैन नहीं हुई है, अनलेस कि मैं कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इश्यूज के ऊपर कोई वो वायलेशन करता हूं, ठीक है। मैं अगर तुम लोग को दिखाना शुरू करूं मेरे पास कितनी फेसबुक कितनी आईडीज पे मैं लगा हुआ हूं इस वक्त, एंड दैट इज, मैं मानता हूं कि वो सही कस्टमर्स की हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत एक्टिवली हम लोग ने शॉपिफाई के लिए बार 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 अकाउंट्स बनाए हैं, देयर इज नो एविडेंस कि एड्स चलाने पे या एड्स आपके बैन हो जाने पे आपकी आईडी या आपकी फेसबुक की प्रोफाइल उड़ जाती है। एज यू कैन सी, ये सब दीज आर लाइक 76 एड अकाउंट्स, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, कहां पे चला गया? ओके, सो या आपका, तो मैं अब मैं ये बात नहीं कह रहा, देन अगेन समवन सेड के सनी भाई सेड नो टू दिस, एज एन आई डिड यू मीन नो टू के आपका अकाउंट बैन नहीं होगा? हसीब, होगा, बैन होगा, ओके, देन ठीक है, देन आई वुड टेक माय वर्ड्स बैक ऑन दिस, बिकॉज आई हैव, लाइक आई सेड, मुझे पीएल का नहीं पता, ठीक है, और ना मेरा कभी एसोसिएट्स का अकाउंट बैन हुआ है, ना मेरा कभी किंडल का अकाउंट बैन हुआ है, तो आई कांट से कि इस पे क्या वो है टेक लोगों का, लेकिन हाँ, इफ यू वॉन्ट मैं आई कैन फर्दर रिसर्च ऑन दिस, बट अगर सनी भाई ने बोला है तो या दैट डज इट, बैन होगा मतलब। जी ठीक है, ठीक है, तो बेहतर है कि आप इसको डिफरेंट आईडी पे बना लें, बल्कि आप अपनी आईडी पे बना लें, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म और इसमें कोई इशू भी नहीं है, आप अपना एनटीएन यूज करें, वही सीएनआईसी एनटीएन की बात है, कोई भी यूज करें आप और आप लगा दें फिर। तो सर अगर जो पेनियर के लिए हमने कंपनी अकाउंट अगर बनाया हुआ है, तो इधर भी हम उसका अपना सीएनआईसी उसकी जो एनटीएन ही लिखेंगे अपना? या अगर आपने, हाँ हाँ एग्जैक्टली, जी जी ठीक है सर, शुक्रिया। उप्स, एक सेकंड। जी तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। पूछना था सर कि इसमें एक तो ये मेथड है कि डीपी में, मैं थोड़ा सर्च करी थी तो मुझे पता लगा था कि इसमें डिफरेंट एक हम
पब्लिक डोमेन्स की भी जो होती है वो भी पब्लिश कर सकते हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो ऑलरेडी मार्केट में है उसके ऊपर कोई बुक लिख के, तो वो जो है वो $2-3 इसमें, तो वो उसका क्या होता है क्राइटेरिया वगैरह, या उसको हम कैसे लेके चल सकते हैं? मैंने उसके ऊपर पूरा टॉपिक लिखा हुआ है पब्लिक डोमेन्स के ऊपर, तो मैं उस पे आ जाऊंगा, आई विल लेट यू नो. चलो ठीक है. बिकॉज़ वो फिर एक टॉपिक है, पर वो इस पे मैं जब बात शुरू करता हूँ तो तुम समझ ही सकती हो कि फिर और लोगों के और भी क्वेश्चंस उसके ऊपर रेज होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो तुम समझ ना, मतलब वो नेक्स्ट सेशन से, इस सेशन से रिलेटेड सवाल नहीं हो जाते, फिर वो नेक्स्ट सेशन से रिलेटेड हो जाते हैं, अ फ्यूचर सेशन से रिलेटेड. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू. जी साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम सर, इस आईटिन जो मामू का आईटिन यूज कर सकते हैं अपने जो यूएस वाला? मामू का आईटिन यूज कर सकते हैं इसमें. अच्छा, दूसरा ये कि अगर अपने सीएनआई से करते हैं हम रजिस्टर और उनका अगर आईटिन यूज करते हैं, मतलब पाकिस्तान वर्सेस यूएस इस तरह के अकाउंट रजिस्टर में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोनों को किसी भी तरह से? मतलब हाँ, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैंने ये जो पाकिस्तान की जो ट्रीटी वाली बात दिखाई थी ना आप लोगों को, जो 1957 में मेरे ख्याल से साइन हुई थी, समथिंग इन रिगार्ड्स टू द टैक्स, उसमें आप लोगों को कोई टैक्स लगेगा नहीं है. बट ऑब्वियसली यही अर्निंग अगर आप यूएस में दिखा रहे हो तो आपकी अर्निंग्स के ऊपर टैक्स लगेगा. आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जी जी, सही सही. और सर इसमें affiliate का भी कोई सीन होता है? ये बुक्स वगैरह में प्रोडक्ट्स में तो होता है ना? होता है, बिल्कुल होता है. अच्छा, बुक्स के वाले से भी होता है? ठीक, ओके, थैंक यू. चलो जी अमर. अस्सलाम वालेकुम. सर बस एक छोटा सा ही वो विदहोल्डिंग टैक्स का एक कंफ्यूजन हो रही थी. हम पाकिस्तानी एनटीएन या आईटीएन से अगर रजिस्टर करते हैं अकाउंट, सो हम 30% विदहोल्डिंग से एग्जेम्प्ट होंगे? जी एग्जेम्प्ट होंगे. ओके, सो फिर आईटीएन लेने का हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने अगर इनकम भी उधर हमें ट्रीटी में आएंगे, टैक्स ट्रीटी में भी, सो हम आईटीएन फिर क्यों लें यूएस का? तो मत दे, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को. मैं बोल, मैंने अभी आपसे पहले यही तो बताया उनको. देखिए आप सीएनआईसी अपने वही एनटीएन यूज करें, आप आगे करें, कोई मसला नहीं. ओके, सो इस पे विद, लेकिन अगर आप आईटीएन बनवाते हैं तो वो आईटीएन आपके इसी बेस पे बनेगा कि आप पाकिस्तानी हैं, तो फिर उसमें वो टैक्स ट्रीटी फॉलो होगी जिसमें आप एग्जेम्प्ट होंगे 30% विल्ड होल्डिंग से. मतलब दोनों तरीके में आप लोगों को बता रहा हूँ. वो बस तरीका थोड़ा हैसल वाला है, उसमें 30 दिन वेट करना पड़ता है. तो जस्ट आप ये मुर्तजा का मैसेज आप पढ़ भी सकते हैं, जस्ट रजिस्टर्ड यूजिंग एनटीएन नंबर इट ऑटो जनरेट्स टैक्स ट्रीटी बेनिफिट विद पाकिस्तान. बस ठीक है, बेस्ट है, मुर्तजा ने ये अच्छा करा. बिकॉज मैं तुम लोग को बताता हूँ कुछ के वी हैड ऑलमोस्ट, मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट वी, आई टॉक अबाउट मी एंड माय पार्टनर्स. सो वी हैड एन अकाउंट, वी हैड फ्यू अकाउंट्स बैक सिंस 2015 टू 2018 के बीच में ना. तो 2015 में वी डिड नॉट नो के वी कुड डू दिस, और एटलीस्ट हैड नो इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स टू दिस. वी यूज्ड आईटन, ठीक है, और दिस इज हाउ वी वेंट अबाउट इट. टुक ऑलमोस्ट अ मंथ, और जब तक हम लोग ने अपनी कोई भी अर्निंग्स जो है ना विदड्रॉ नहीं करी. जैसे ही हमारे पास आइटन आ गया, हम लोग ने जो है अपनी विदड्रॉ कर दी थी. तो यू कैन डू इट यूजिंग योर सीएनआईसी और एनटीएन नंबर, वही सेम चीज एग्जैक्टली. या जी वजह,
अलैकुम, कैसे हैं? मुझ भी ठीक है। अच्छा, मैं कुछ कोर्सेज वगैरह ले रहा था इससे रिगार्ड्स में ना, तो मुझे ये बताएं कि किंडल की हमें, जैसे आप लास्ट टाइम कहते थे कि कैटेगरी कोई भी चूज कर लो, फिक्शन की आप बात कर रहे थे या कोई, तो मैं कुछ सर्च कर रहा था कि कैटेगरी जो है वो कितना मैटर करती है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर जो बुक्स इटसेल्फ है उसमें रैंक करना इजी है, जैसे वो उसमें मतलब लेट्स से 100 बुक्स भी बिकेंगी तो आप विद इन 2 डेज 3 डेज के पीरियड में तो आप बेस्ट सेलर रैंक कर जाएंगे, एक तो ये। दूसरा ये कि जो किंडल लेस, जैसे आपने लास्ट सेशन में बताया था कि किंडल बहुत सारा सोल्ड हुआ था इस साल 2019 के अंदर, किंडल जो फायर है, आई थिंक दैट वाज 2018 दो, बट हाँ खैर, वो उसका सीन ये मैं पढ़ रहा था कि किंडल जो होता है वो डाटा रीड कर रहा होता है कि यूजर जो है वो कितनी देर किंडल पे रहा है उस बुक के अकॉर्डिंगली, तो वो उस डाटा के अकॉर्डिंगली वो रैंक कर रहा होता है, तो फिर हमें हमें कितनी हमें मतलब वो शॉर्ट बुक्स लिखनी चाहिए ताकि उसका एक तो वो कम्प्लीटली पढ़ी भी जा सके और उनकी हम क्वालिटी भी निकाल सके उन बुक्स। मैं आपको बताता हूँ असल में मेरे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, जो भी कस्टमर्स आते हैं फाइवर पे, वो मुझसे बेसिकली अपनी बुक्स उन्होंने बनवाई भी होती हैं, उन्होंने अपनी पूरी ई बुक्स जो है ना पूरी ऑटोमेट करके बनवाई भी होती है लोगों से। हाँ, दे गो थ्रू इट बहुत सही से, लेकिन वो लोग मेजॉरिटी जो लोग है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, व्हेन आई टॉक अबाउट मेजॉरिटी तो मैं बोलता हूँ तकरीबन 60% लोग टू 70% लोग जो मेरे पास आते हैं वो शॉर्ट रीड्स के साथ आते हैं, सही है, उसका वो लोग यही रीजन बता रहे होते हैं। और मैंने खुद से अपने, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी बातचीत भी होती है कुछ अपने कस्टमर्स से, तो वो ये बोलते हैं कि यार असल में शॉर्ट रीड्स जो हैं वो बहुत इजीली खत्म कर लेता है बंदा, वो रीडर्स डाइजेस्ट जैसे आप जल्दी जल्दी खत्म करते हो तो वैसे ही वो उसको ट्रीट करता है, तो उसकी वहां पर खत्म हो जाती है, तो इस वजह से वो आराम से ले भी लेता है, तो यही रीजन है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि हम मतलब मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास कुछ बुक्स के बड़ी बुक्स के आइडियाज हैं वो चले, अब ये है कि मैं पहले वो शॉर्ट रीड्स निकालूं किंडल पे जिससे एक ट्रैफिक जनरेट हो जाए। अच्छा, मैं कुछ एक और भी देख रहा था कि वहां क्या था कि जो डिफरेंट राइटर्स है ना उन्होंने अपनी बुक के अंदर ही कुछ प्रोमोशनल पैकेजेस डाले हुए होते हैं जिससे यूजर करीब होते हैं वो डाइवर्ट हो रहे होते हैं, उनको प्राइवेट ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए होते हैं जिसमें वो आपके साथ होते हैं पीएल के लिए, वो मतलब आपके साथ सस्टेन करने लग जाते हैं, तो उस तरह भी एक ऑडियंस डेवलप होते हैं शॉर्ट रीड से, ताकि जब हम एक अच्छी बुक पब्लिश करें जो डिफरेंट आइडियाज से यूनिक आइडियाज की हैं, तो उसमें हमारे पास एक ऑडियंस हो बजाय इसके कि हम पहले ही एक अच्छे आइडिया की बुक जनरेट कर दें। बिल्कुल, आप कर सकते हो ये। चलें, बहुत शुक्रिया मुझे। नो प्रॉब्लम। जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। मोइज, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने अपनी केस स्टडी बताई कि आपके अकाउंट से, तो आपने डिफरेंट निशेज पे काम किया या फिर एक निश में ही रह के सारी बुक्स उसी तरह उसी से? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली होता क्या है कि आपको मल्टीपल ऑथर्स बनाने की इजाजत देता है। अब यूजली एक मतलब रूल ऑफ थम ये है कि बेहतर बोलते हैं लोग कि अगर आप जब कोई बुक लिखने जा रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि एक ऑथर जो आप रख रहे हो उसके अंडर एक खास निश डिफाइन हुई हुई हो, ये बेहतर तरीका है। मतलब काफ कुछ लोग आ सकते हैं, वो ये कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, और मैं तो हूँ, मैंने अलग अलग 5 तरह की बुक्स लिखी हुई हैं। अब वो लिखी भी होंगी और वो बिक भी रही होंगी, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन एक तो पहली बात यह कि इट इज हाईली लाइकली कि उन 5 में से कोई 1 या 2 बिक रही हो ज्यादा, बाकी 3 खास नहीं बिक रही होंगी। दूसरी बात ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर आप एक ऑथर के अंडर एक खास निश को लेके चलें, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि जैसे कि डेल कार्नेगी है, मैं मशहूर मशहूर जो राइटर है, ठीक है, अब उसका क्या है कि उसकी वो बुक थी ना फ्रेंड्स एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आई थिंक यही उसकी बुक थी, ठीक है, अब वो बहुत मशहूर बुक है। अब किसी ने अगर वो बुक पढ़ी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली डेल कार्नेगी की वो बाकी बुक्स भी पढ़ेगा, समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो होता ही है कि अब जब आप एक ऑथर के अंदर कोई एक खास निश सेलेक्ट करके उसके लिखना स्टार्ट करते हो, तो अगर लोगों को पसंद आता है तो जब दूसरी बुक तुम पब्लिश करोगी तो उनको पता चलेगा, तो वो दूसरी बुक को भी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर सेम गोस फॉर द थर्ड वन एंड देन फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, एंड फिर आप रिटेन करना शुरू कर देते हो लोगों को, तो विच इज वाई दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी।
अच्छा, और अपने रेल ने ऑथर्स जो है वो पेन नेम रखें, मतलब रेल नेम्स ना रखें, exactly. इस तरह का कोई है पेन नेम? पेन नेम जहाँ पे आप रख रहे होते वहीं पे जो है ना आप ऑथर का नाम सेलेक्ट करते हो और आप तीन रख सकते हो अप टू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि मोहित, आपने ये बताया था कि 5000 वर्ड्स होने चाहिए शॉर्ट रीड्स के लिए और इस तरह के, अगर हम ब्लैंक यूज करें, ब्लैंक बुक्स भी मैंने देखी है किंडल पे, तो वो काम नहीं करती वो स्ट्रेटेजी, या फिर बहुत सारी हो गई है, सैचुरेट हो गई है मार्केट? तुम कर सकती हो, लेकिन आई वुड से के यूज एटलीस्ट गो फॉर शॉर्ट रीड्स ऑफ 5000 वर्ड्स, क्योंकि मैं तो सिर्फ उस चीज के ज्यादातर लेके चल रहा हूँ या उन चीजों का बात बता रहा हूँ तुम लोग को जो कि ट्रेंड चल रहा है और जो लोग कर रहे हैं आपस में। ठीक, तो इस वजह से, एंड इफ आई जस्ट डू सम मोर रिसर्च इन दिस एरिया, अगर मुझे फील हुआ तो मैं तुम लोग को इसके ऊपर भी स्ट्रेटजी बता दूंगा, बट आई हैवंट डन दिस, सो आई रियली कांट रिकमेंड इट, मतलब इन माय इन फ्रॉम दिस इज नॉट समथिंग दैट इट विल बी कमिंग फ्रॉम मी बिकॉज आई हैवंट डन इट। सही, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, एक्चुअली मेरे पास एक नीश है जो बेसिकली मेरे टीचर की तरफ से वो बुक ऑलरेडी पब्लिश हुई है उर्दू में। नाउ ही इज रियली इंटरेस्टेड टू गो इंटरनेशनल एंड गेट इट टू यूएस मार्केट पर्टिकुलरली, तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन ये था कि वो जो टॉपिक्स आई थिंक ये अस्कर ने शायद पहले पूछा था कि आप वो डिफाइन कर लें 5000 वर्ड्स के टू मेक इट शॉर्ट रीड एंड देन और मे बी कंबाइन डिफरेंट टॉपिक्स टू कीप इट एज 5000 वर्ड्स की एक बुक, बिकॉज़ वो बुक तो कॉम्प्रिहेंसिव है बहुत ज्यादा, लेकिन उनका सिर्फ क्वेश्चन ये था कि उसको लॉन्च करने के लिए कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होती है यूजुअली इन अ पर्टिकुलर नीश? सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होती, जो कि हमारी नॉर्मल बुक्स होती है तो ऐसा होता है। किंडल के सबसे अच्छी जो मेन फायदा है वो यही है कि दैट यू आर अ पब्लिशर एंड यू कैन राइट ऑन एनी टॉपिक, मतलब इट गेट्स अप्रूव्ड and then all you need to do is that you have to select a title, select a very nice cover and it's out and about, right? because wo book to already unhone publish matlab kafi sari uski copies to yahan pe already unhone apne students ko kafi zyada di hui hai and it is written and it is well published, wo puri comprehensive book hai, lekin ab wo kyunki urdu mein hai usko translate ko karwa rahe hain already english mein, to उनका ये क्वेश्चन था कि आप इसको किंडल के थ्रू लॉन्च किया जाए ताकि इट इज रीच टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो उसके लिए वो मतलब बेसिक उनका ये क्वेश्चन था कि क्या वो सर्टिफिकेशन के लिए भी कुछ चेक करना पड़ेगा हमें या वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसके लिए फिर उनसे मैं बात करके देन आई विल डिस्कस इट विद यू इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी साथिया, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो क्वेश्चंस थे। नंबर वन ये कि मेरे पास एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो ये आगे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा? नहीं, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू मैंने एक साल में एक तरीका देखा था कि दैट यू कैन गेट योर ITIN यूजिंग दैट, बट आप आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि यू कैन यूज EIN नंबर, क्योंकि मैंने जो EIN नंबर्स में डाला ये टैक्स जो परसेंटेज आ रही है वो जीरो ही आ रही है, उस पे 30% नहीं आ रहा है। भाई मैं बोल रहा था कि आई हैव मतलब दैट इज व्हाट आई हैवंट ट्राइड विद एन EIN, बट आई रेड इट समवेयर कि इट इज 100% डूएबल, तो जस्ट गो अहेड विद दैट। ठीक है,
और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या ये मुमकिन हो सकता है कि हम किंडल के डिफरेंट अकाउंट ओपन कर लें? मेरे पास अभी किंडल का अकाउंट है, हमें सेम सप्लायर आइडेंटिफिकेशन यूज करके एक दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लूं, ऐसा हो सकता है? मैं बताता हूं। तो ये काफी एक कॉमन चीज है कि काफी सारे लोग ये चाहते हैं वो करें, बट आई वुडंट रिकमेंड डूइंग इट एज ऑफ नाउ। इसके मैं कुछ तुम लोगों को तरीके बता दूंगा। यूजली क्या है कि मैं जब फ्रीलांसिंग पे भी क्लास दे रहा होता हूँ तो काफी, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है मेरे दूसरे एरियाज में भी, कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं फाइबर के मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर लूँ या अपर के मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर लूँ। और मेरा आंसर होता है कि अभी नहीं, जब सेशन एंड हो रहा होगा तो इसके ऊपर मैं कुछ चीजें बता दूंगा, पॉइंटर्स, कि भाई अगर तुम लोग को मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने तो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल द वेरी बेस्ट पार्ट अबाउट किंडल इज कि आप तीन ऑथर्स रख सकते हो अंडर वन अकाउंट नेम। सही है, तो तुम मल्टीपल ऑथर्स रख सकती हो एंड यू कैन गो इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम वे जस्ट लाइक क्रिएटिंग मल्टीपल अकाउंट्स। सही है, इट लुक्स लाइक इट्स मल्टीपल अकाउंट्स बट बेसिकली तीन ऑथर्स होते हैं आपके पास। तो फॉर किंडल मल्टीपल अकाउंट्स मैं आऊंगा बिकॉज वी वर रनिंग फाइव अकाउंट्स आवरसेल्फ। कैसे, उसमें हम लोग को कुछ डस्ट भी पड़ी थी, उसके सारी तुम लोग को इन्स एंड आउट्स बता दूंगा, तो तुम लोग फिर उस चीजों को फॉलो कर लेना। ठीक है, हेलो, ठीक। और मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जैसे कह रहे हैं कि शॉर्ट ट्रेड्स होने चाहिए, जबकि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है तो उसमें मुझे पता चला है कि चिल्ड्रन बुक्स बहुत सेल होती हैं। इस तरफ से भी आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं? I'll write it down. मैं ये लिख लेता हूं अपने पास, इसके ऊपर मैं ये, मैंने ये वाला सेक्शन डाला हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं ये भी डाल दूंगा, इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, बस मेरे इतने ही क्वेश्चंस थे, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई इशू। जी सलमान जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन जो कि खुद से ऑथर करना चाह रहा है अपनी बुक्स को, और उसके अंदर मैंने दो तीन चीजें देखी है। नॉन फिक्शन भी लिखा जा सकता है, फिक्शन भी लिखा जा सकता है, दोनों चीजें मैं कर सकता हूँ। लेकिन फिर साथ में मैंने देखा था कि केडी स्पाई, सनी भाई ने भी रेकमेंड किया था, वो भी मैंने खरीद लिया। हाँ, वो अभी आएंगे हम लोग। हाँ, ठीक हो गया, उस पे आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन लाइक मी, आपको क्या लगता है कि मुझे अपार्ट फ्रॉम समबडी टू एडिट द कवर एंड द बुक इटसेल्फ, उसके अलावा किस चीज को हायर करने की जरूरत होगी मुझे? इन्वेस्टमेंट कहाँ पर और जाएगी? तो राइटर, हाँ, और हाँ, वीवीआरओस वगैरह जहाँ पे आप वो कर रहे होंगे, थोड़े बहुत आपको जो है ना, मतलब रिव्यूज वगैरह ऑन बोर्ड चाहिए होंगे, बट मैं उसका एग्जैक्ट तरीका बता दूंगा। right. और आपका Amazon paid ads of course. ठीक सही है okay, चले। तो बजट वगैरह तो आगे जाके और niche wise depend करता है ना, वो आगे next में फिर I guess discuss हो जाएगा। ऐसी exact, हाँ ऐसे ही। okay, चले, thank you so much. No problem. Okay. जी, सलामी। जैसे कि आपने बात की थी कि थ्री ऑथर्स उसके अंदर आ सकते हैं लिस्ट के अंदर, तो वो थ्री ऑथर्स किसी भी कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं? स्पेसिफिक तो नहीं होगा ना कि वो सारे एक ही कैटेगरी में होंगे? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग कैटेगरीज। तो वो बहरहाल, वो उसका पेज तो मुझे नहीं पता, उसका लेआउट कैसे होगा। अच्छा, एक ये चीज, अच्छा दूसरा मैं ये पढ़ रहा था जो किंडल का अनलिमिटेड आया हुआ है जो सब्सक्रिप्शन है, उसमें वो बुक तो फ्री चली जाती है, लेकिन वो ये है कि वो एक पर्टिकुलर डेट पर आके वो रिइंबर्स करते हैं कुछ उनकी जो फंडिंग्स आती हैं जो किंडल को हुई नहीं है, किंडल अमेज़न की तरफ से जो किंडल फंड हुआ हुआ होता है, तो वो उस पे अपनी मर्जी से अभी हुआ हुआ है फिलहाल कुछ जी, तो वो ना डाउनलोड्स पे और सेल्स पर वो खुद एक रिइंबर्स कर रहे होते हैं जितनी भी वो लग, तो इसमें क्या वायबिलिटी है? मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो मोस्टली फ्री परचेज कर रहे हैं बजाय इसके कि वो पेड versions में जाएं। देखो, that is a part of Kindle Select जिसमें जहाँ पे आपके 5 दिन के लिए downloads free हो जाते हैं, और फिर ये होता है कि 5 दिन के बाद आपका वो वापस, मतलब आप उस phase में आ जाते हो जहाँ पे फिर, मैं तुम लोग को अपने 5 दिन की sets दिखाई थी, ठीक है? मोहित भाई, वो KDP Select है, इसमें KDP Unlimited आया हुआ है, वो Unlimited क्या है कि जो buyer है
उसने बेसिकली जैसे नेटफ्लिक्स है ना उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली है लाइब्रेरी की, किंडल लाइब्रेरी की, अब उसके लिए वो तमाम रीड्स फ्री है क्योंकि वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है. और जो जो भी फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड बुक सेल हो रही है, जितनी भी नंबर्स की सेल हो रही है, तो वो किंडल मतलब अमेज़न खुद अपनी मर्जी से वो उस जो उनको फंड आता है उससे वो डिवाइड करेगा और वो डिफरेंट ऑथर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. अच्छा, मतलब अभी आप इसका नहीं पता, मतलब चेक नहीं किया मैं क्योंकि पढ़ रहा था, तो इसमें मुझे थोड़ा सा वो लगा कि ये मोस्टली जितनी बुक्स होती जा रही हैं वो किंडल अनलिमिटेड की तरफ जा रही हैं. मुझे इतना पता था, मुझे इतना पता था कि किंडल अनलिमिटेड जो है दैट इज डिपेंडेंट मोर टुवर्ड्स दैट एक्स मोर लाइक मोर लेस लाइक नेटफ्लिक्स. और ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में मेंशन भी किया था दैट दे हैव अ प्रोग्राम फॉर दैट. आई डिड नॉट नेम इट दो स्पेसिफिकली. वो किंडल अनलिमिटेड है जो जिसकी आप बात करते हैं वो केडीपी सेलेक्ट है, मतलब वो 5 दिन के लिए आप बुक को फ्री लॉन्च करते हैं. तो होता क्या है मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो. लेट्स सपोज मैं एक बात कहता हूँ, मैं यू हैव अ बुक एनरोल्ड इन केडीपी सेलेक्ट, अभी से रिज्यूम करो ठीक है. इफ यू हैव अ बुक सेलेक्टेड फॉर केडीपी सेलेक्ट देन इट विल ऑटोमेटिकली बी एनरोल्ड इन किंडल अनलिमिटेड. ये बात याद रखना तुम, ये याद रखो. हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ तुम्हें. तो इफ तो अगर कोई किस अगर तुमने कोई बुक अपनी केडीपी सेलेक्ट के लिए कर लिए सेलेक्ट, तो वो किंडल अनलिमिटेड जो कि किंडल नेटफ्लिक्स है बेसिकली, सही है, नेटफ्लिक्स फॉर किंडल है, वो ऑटोमेटिकली किंडल अनलिमिटेड में चली जाएगी. दिस इज गिवन, सही हो गया, ठीक है, सही हो गया, ओके. मैं एक और काम करूंगा, तुम लोग को जो है ना केडीपी सेलेक्ट की रिक्वायरमेंट्स कुछ हाईलाइट करके बता दूंगा. इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फिर तुम लोग कल को कभी इस पूरे मैंने तुम लोग को एक दो तो इसमें बता दी जो कि एक्सक्लूसिव विद अमेज़न होती हैं, ठीक है. सेलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, जी शुजा जी, आवाज आ रही है मुझमें? जी. मुझे ये पूछना था कि मुझे हो सकता है थोड़ा सा आउट ऑफ वो हो सेशन के टॉक हवाले से ना हो, मुझे बस इतना एक आइडिया देना है. थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ एफिलिएट और किंडल में, तो और कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम और बजट की वजह से है. तो थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं कि एवरेज नीश जो होती है उसके लिए हमें किंडल में कितना बजट रिक्वायर्ड होगा? तुम्हारा ये फर्स्ट सेशन है मेरा? नहीं, मैंने तो पिछला सेशन लिया था लेकिन उसके अंदर आपने कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था कि इतना बजट चाहिए होगा. मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं. तुम लोग का जो नेक्स्ट सेशन है ना उसमें मैं तुम लोग को बजट का भी बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को ये भी बता रहा हूँ कि ऑटोमेशन कैसे करनी है, मतलब ऑटोमेशन के लिए कितना बजट चाहिए होगा, सही है. ये सारी चीजें मैं हाईलाइट करूंगा. और एक चीज और खासकर हाईलाइट कर रहा कि अगर तुम लोग लेस सपोज क्या एक्सपेक्ट करो कि अगर तुम लोग किंडल की किसी भी बीएसआर का तो पता है ना तुम लोग को, बीएसआर का बिल्कुल तो अगर तुम लोग की कोई भी एक स्पेसिफिक रैंकिंग आ जाती है तो तुम लोग उस पर कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दैट वुड ओनली बी एस्टिमेटेड, कितनी सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब वो सब तुम लोग को एस्टिमेशन होगी. तो वो मैंने सारी चीजें तैयार हो गई है मेरी, बट आई डिडंट वांट टू गेट इट डन इन दिस सेशन स्पेसिफिकली, ठीक है. तो वो भी मैं तुम लोग को बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू. जी वकास, अस्सलाम वालेकुम. जी वान सलाम. अस्सलाम वालेकुम. जी वान सलाम. हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एक नीश सिलेक्ट कर ली और हमें कोई पाकिस्तानी ऑथर ऐसा मिल गया जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बहुत सारी बुक्स हैं, उनको हम ट्रांसलेट कर करके लगा सकते हैं किंडल के ऊपर? आई एम श्योर तुम लोग लगा सकते हो, लेकिन मतलब मैं सिर्फ इस पे देखो मेरा नहीं अकाउंट बैन हुआ बिकॉज हम लोग उसको फ्रेश लिखवा देते बिल्कुल किसी से भी, ठीक है. ठीक है, ठीक है. इस पे शायद कोई राइट्स आपको चाहिए होते हैं ओवर दिस. अच्छा, मतलब फॉर एग्जाम्पल जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक बुक लिखी,
एंड मैंने वो हार्ड कॉपी बुक है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने उसके प्रॉपर किसी पब्लिशर के थ्रू गया और मैंने वो पब्लिश करवा दी उर्दू में, ठीक है ठीक है, और तुमने फॉर एग्जाम्पल वो बुक ली और तुमने बोला कि यार मुइस तो अल्लाह को प्यारा हो गया और मैं जो ना इसकी बुक लेके जो ना लिखवा देता हूँ, सही है? तो पब्लिशर जो होता है वो बीच में जो है इंटरफेयर कर सकता है, बिकॉज मुझे पब्लिशर रॉयल्टी दे रहा होता है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। पब्लिशर इशू कर सकता है क्योंकि पब्लिशिंग कंपनी तो रहेगी ना, रहेगी बिल्कुल रहेगी, ये बात है। सही 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 सही। और दूसरा सर रिक्वेस्ट करनी थी कि पॉसिबल हो सकता है आप स्लाइड्स शेयर कर दें। मैंने मैंने एक सेकंड वेट, मैं फिर से एक अभी तुमसे बात करते हुए करते ही कर देता हूं। अच्छा चलो, और कॉपी लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला था कि कुछ ज़ूम के साथ मसला चल रहा है, हो नहीं रहे, मैं इसको बिटली के लिंक के थ्रू कर देता हूं ताकि तुम लोग ये लो जी, कर दिया। थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, मैं अभी चेक कर लेता हूं। ओके हां जी, थैंक यू। जी शायन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, एम आई ऑडिबल? यस जी मुईज, मेरा क्वेश्चन ये था कि देखें जिस तरह हम लोग पीएल करते हैं तो हमें ईसी के प्लेटफॉर्म से हमें ये सपोर्ट मिलती है कि हमें हर एक स्टेज पे प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, लाइक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक ग्रुप होता है, फिर सोर्सिंग के लिए एक ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, फिर इस तरह लॉन्च के लिए जो मेन ग्रुप होता है ट्रिपल वन का एक ग्रुप होता है। तो आया जो हम लोग यहाँ पे जो बुक लॉन्च कर रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग ईसी की तरफ से कोई इस तरह की गाइडेंस या आपकी तरफ से या प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई इस तरह की? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हाँ अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए असल में चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ईसी ने, ईसी का सबसे मेन फोकस क्या है सबको पता है, पीएल है, ठीक है। फिर उसके अलावा जितनी भी इनकम स्ट्रीम्स हैं, मैंने बकायदा ना एक दफा बात करी थी, तलाल ने भी मुझसे बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था, एंड गिवन बात है ये, और बिल्कुल आई रियली रिस्पेक्ट हिज थॉट्स इन ओवर दिस, एंड आई अग्री कि भाई अगर अभी अमेजोन की मार्केट बंद है तो आप फॉर एग्जांपल अमेजोन के ऊपर अभी हम क्यों कर रहे हैं, कुछ चीजें बात क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर मैंने बोला रीजन दिए कि भाई हम रेडी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो मैंने फिर ये बात, मुझे सही लगी बाकी तलाल की, तो मैंने ये बात रखी मैनेजमेंट के सामने, देन समथिंग केम फ्रॉम मैनेजमेंट विच I strongly agree again. उन्होंने बोला कि किसी के ऊपर कोई लायबल नहीं है कि कोई बैठ के वो इनकम स्ट्रीम करे, मतलब that is totally up to you. आप करो या नहीं करो, आपने असल में पीएल के लिए एक तरह से ये एडेड वैल्यू है, वी आर स्टिल गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दीज एरियाज, मतलब बट मी अलॉन्ग विद माई पीएम्स वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट जितना भी हम कर सकते हैं, बट योर मेन फोकस वुड स्टिल बी पीएल बिकॉज दैट व्हाट्स यू, दैट्स व्हाट यू एनरोल्ड फॉर इनिशियली, राइट? एब्सोल्युटली। तो वो तो तुम्हारा मेन रहेगा, ये जो है यहां पे मैं तुम लोग को अकॉम्प्लिश करवाऊंगा एट द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स, सही है? और तुम लोग को जितना सपोर्ट कर सकता हूं मैं करूंगा, जैसे जैसे अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी और चीजें बढ़ती जाएंगी हम लोग इसको और ज्यादा रिफाइन करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे कि हाँ भाई क्या ग्रुप है, कुछ जैसे ट्रिपल वन ग्रुप है, ये ग्रुप है, वो ग्रुप है, फलाना फलाना, ये क्या हमें ग्रुप्स बनाने की जरूरत है, और क्या हम विद दिस कैपेसिटी जो हमारे पास टीम है, या क्या हम लोग को बकायदा ईसी जैसे कि ऑफिशियली ईसी की तरफ से क्या हम लोग को और टीम मेंबर्स बढ़ाने की जरूरत है इन Shopify, Kindle, होलसेल XYZ। तो फिर जब हम देखेंगे ये चीजें लोगों की तरफ से आ रही हैं, लोग अकॉम्प्लिश कर रहे हैं, हाँ जरूरत है, तो फिर हम इन एरियाज में भी लोगों को बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यार मैं यहाँ पे एक सवाल लेता हूँ, नीचे से एक और सवाल बढ़ सकता है, इट्स ओके। खैर जी अब्दुल रहमान, एक सेकंड मैं फिर से अनम्यूट कर दूं। जी अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वान साहब, सर दरअसल वो मैंने एंड में अपना हैंड रखा हुआ होता है ताकि मैं सबके क्वेश्चन सुन के एंड में अपना हैंड रेज कर सकूं। यार आप सब लोग एक साथ हैंड रेज कर दिया करो क्योंकि मैं मेंटली रेडी हो जाता हूं कि हां भाई मतलब इस तरह मैनेज लेके चलना। ओके
सर दरअसल क्वेश्चन मेरा यही था कि नीश में जो हमने कंपटीशन फाइंड आउट करना है और हम डिफरेंट नीशेस में बुक कर सकते हैं अपने एक ही अकाउंट से. डिफरेंट नीशेस में हम कर सकते हैं एक ही अकाउंट पे, बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला अंडर डिफरेंट ऑथर यू कैन डू दैट. ठीक ठीक है. एंड सर कंपटीशन हम फाइंड आउट करेंगे अपना? बिल्कुल करेंगे. केडी स्पाई वगैरह काफी सारी चीजें यूज करेंगे हम कंपटीशन देखने के लिए. ठीक है सर. और लास्ट थिंग यही कि अगर उर्दू की कोई बुक है तो उसके लिए सिर्फ हमें ऑथर से परमिशन लेनी पड़ेगी. देखो एक बात मैं बता देता हूँ, एक बात और बता देता हूँ. जरूरी नहीं है कि आप लोग परमिशन लो, बात समझने की कोशिश करो. आप लोग इंस्पिरेशन भी ले सकते हो उस बुक से. समझ रहे हो मेरी बात? मतलब फिर यू डोंट नीड परमिशन फ्रॉम द ऑथर और द पब्लिशर इटसेल्फ. You just need, you can also get inspiration from that book. You can hand that book over to a writer. Bolo ke bhai ye book hai, mujhe paraphrase chahiye. Sahi. Haan, matlab ab koi kahani hai, koi mashoor, to matlab ab mujhe nahi pata, probably tum log ye kar sakte ho maximum ke uska, ya publisher se jaake baat karo, ek, waise wo, I doubt ke wo ijazat dega, lekin uske ilawa wo kahani pakdo, uska pura paraphrase karo, uska kisi naye naam se publish karwa do. लेकिन कोई बहुत मशहूर है तो बहुत आराम से कोई पकड़ा जा सकता है उस एरिया में. लेकिन फिर भी किया जा सकता है. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट आउट देयर एंड कैन स्टिल बी डन. ठीक है. ओके जी वजिया. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वंशिका. आपने बात की थी कि हम पाकिस्तानी CNIC के थ्रू जो है हम लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं किंडल के ऊपर. तो मुझे ये पता करना था कि अगर हम पाकिस्तानी CNIC पे करते हैं तो हमारी प्रोसीड्स जो है वो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की फिर हम डिटेल्स दे रहे होंगे और पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में जाएंगे? नहीं, आप बेसिकली अपने पेयोनियर के अकाउंट की डिटेल्स दे रहे होंगे. अच्छा, सो बिकॉज यहाँ पे इरफान ने एक बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट करा कि मैंने 9:20 का बोला था, मैंने 9:10 पे सेशन स्टार्ट कर दिया. आई एम सॉरी अबाउट दैट. बट क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वर आल्सो, मुझे लगा था कि शायद इतने ही लोग होंगे, लेकिन माशाल्लाह ज्यादा लोग हो गए तुमसे. उससे कोई 50-60 लोग थे एंड वी वेटेड फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स. तो उस वक्त तक इतने ही थे तो मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया था. हाउएवर हैविंग सेड दिस, सो हियर्स द थिंग के आप पियोनियर का अकाउंट लेंगी, उस पर अपना पूरा अकाउंट बना देंगी. उसके बाद पियोनियर अकाउंट में मैंने पूरे स्लाइड्स के ऊपर स्टेप्स दिए हुए हैं. वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है जहां पे आप US अकाउंट बेसिकली आपकी डिटेल्स होती हैं, वो आप सारी इनपुट कर रही होंगी अपने Amazon अकाउंट में. सही है. ग्लोबल सर्विस करके कुछ नाम होता है उसका. सही है. वो स्क्रीनशॉट्स हैं, वेट मैं दिखा देता हूँ, एक नजर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, समझ आ जाए. ग्लोबल सर्विस payment, if I'm not wrong, this is the one. Any tax information? Oops, तीन बार repeat हो गया. Payment service, global payment service. ये रहा, देख रही हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगी पेयोनियर में जाने के बाद. इस पे क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली इस एरिया में आ जाएंगी. सही है. इस पे आने के बाद आप यूएस पे क्लिक करके व्यू डिटेल्स करेंगी. जैसे व्यू डिटेल्स करेंगी तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. इस इन्फॉर्मेशन में से पहले तीन जो है ना सिर्फ ये काम आ रहे होंगे. ठीक है, पहले तीन काम आ रहे होंगे और आपका ऑब्वियसली नाम काम आ रहा होगा. तो आप ये तीन डिटेल्स कॉपी करेंगी और आप वहां पर डाल देंगी, बस खत्म. सही. अच्छा एक चीज और थी कि अगर मैं ये पियोनियर ना करना चाहूँ बल्कि अगर मेरे पास जैसे यूके का बैंक अकाउंट है तो मैं वो यूज कर सकती हूँ? अगर आप पियोनियर ना करना चाहें बिल्कुल कर सकती हैं. ठीक है, तो यूके में मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट है, मैं उसकी डिटेल्स डाल सकती हूं, तो प्रोसीड्स वहां जाने लगेंगे. बिल्कुल, लेकिन फिर बस इस चीज को देख लीजिएगा, फिर वहां पे टैक्स आपको कितना पड़ेगा ये सारी चीजें देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगा. अच्छा, ये पियोनियर यूज करने पे मुझे टैक्स पे मुझे नहीं देना पड़ेगा? नहीं नहीं, सॉरी लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस. क्योंकि आप असल में अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे. टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप अपनी यहाँ की देते हो तो फिर कोई इशू नहीं है. मैं असल में दोनों चीजों को कंफ्यूज कर गया था, सॉरी. क्योंकि वो एक पेमेंट से रिलेटेड है जहाँ एक जगह पे आप अपने जो ना आप ये सेट कर रहे हो कि आपको पेमेंट मिलेगी कैसे, और दूसरी जगह पे आप ये सेट कर रहे हो कि आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या है.
तो अगर आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ की देते हो तो कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हो। अच्छा अच्छा, अगर मैं यूके का बैंक अकाउंट डालती हूँ तो फिर मुझे अपने यूके की टैक्स डिटेल्स भी देनी पड़ेगी? नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे पाकिस्तानी होते हैं जो वहां पर जाते हैं, अपना बैंक अकाउंट पढ़ाई के लिए जाते हैं, अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, है ना, और फिर वो वापस आ जाते हैं और वो फिर भी वहां से किसी तरह अपने आप को अपनी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने यूके का अकाउंट डालें, बिल्कुल डालें, लेकिन आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ का दें। अच्छा, पाकिस्तानी टैक्स इन्फॉर्मेशन दो। हाँ देखें, अब होता क्या है कि उसमें मैंने असल में, देखें मैंने आपको बताता हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव ट्राइड डूइंग इट थ्रू पेयोनीर, सही है। तो इट्स वेरी सिंपल, पेयोनीर जब अपना अकाउंट बता रहा होता है ना, तो वो ये बता रहा होता है, फर्स्ट सेंचुरी बैंक बता रहा होता है, वो बता रहा होता है कि ये बैंक जो है बेसिकली यूएस में रिजाइड करता है, विच आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन वो यूएस में रिजाइड करता है बैंक अकाउंट, और आपकी सारी डिटेल्स जो होती हैं वो एक यूएस बैंक अकाउंट के लिहाज से होती हैं। सही। अगर आप देखें तो मैंने आगे, बल्कि अगर इसी सेशन को आप फिर से अगर आप देखेंगे तो मैंने इनको यही बताया हुआ, और सारे लोगों ने, जितने भी लोग हैं जो किंडल कर रहे हैं, एटलीस्ट 80-90% लोग यही करते हैं कि पेयोनीर का अकाउंट अटैच करते हैं अपना और टैक्स इन्फॉर्मेशन अपनी पाकिस्तान की डालते हैं, टैक्स डज नॉट गेट डिडक्टेड एट ऑल। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और भी है कि शायद इस बारे में आप नेक्स्ट में शायद बात करना चाहते हैं, आई एम नॉट श्योर, कि डिमांड जो है वो किंडल पर ज्यादा फिक्शन की है या नॉन फिक्शन की है, और रैंक करना किसका ज्यादा आसान होगा, अगर हम फिक्शन लिखकर डालें तो रैंकिंग ज्यादा आसान होगी या नॉन फिक्शन के लिए रैंकिंग आसान होगी? अच्छा, तो ये थोड़ी सी लंबी बात है लेकिन मैं इसके ऊपर और ज्यादा मजीद बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है डिटेल में, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए थे जिसमें थोड़ा सा, ये आपका पहला सेशन है? जी, ये मेरा पहला सेशन है। हाँ, तो आई वुड सजेस्ट कि मेरे पहला जो सेशन था ना, एक्चुअल पहला सेशन, उसके थ्रू भी आप एक बार चले जाएं, क्योंकि उसमें काफी सारी डिटेल्स मैंने इसी शेयर करी हुई है। सही है, इंशाल्लाह जी, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। जी आतिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था, एक्चुअली मैं किंडल में ही इनरोल्ड हुई हूँ बीसी में, मैं पीएल में इनरोल्ड नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस है किंडल है। ओके। तो फिर जो बीसी का जो अभी जो सेटअप नजर आ रहा है, इस तरीके से आपके जूम सेशन हुए, तो जिस तरह प्रोडक्ट रिसर्च हम करते हैं, तो इस तरीके से इसकी रिसर्च का मार्केट में क्या डिमांड है, हम क्या लिखें, क्योंकि ऑब्वियसली जो अगर मैं राइटर अच्छी हूं, मैं बताता हूं, ओके, मैं थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कर देता हूं। असल में शायद मैंने ये बात बताई भी है, बिकॉज एवरी सेशन हैज अ मेन फोकस, सही है। आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट टिल हेयर फॉर टूडेज सेशन, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैंने बेसिकली, अब देयर टू मेन एरियाज, मैं बेसिकली पहले सोच रहा था कि मैं आप लोगों को पहले रिसर्च करना सिखा दूं, ठीक है, या मैं ये कर सकता हूं कि मैं दोनों एरियाज जो है एक साथ कवर कर लूंगा। वो क्या है, एक तो रिसर्च, निश रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, बजट क्या लगना है आप लोग का, आप लोग को अपनी एस्टिमेशन कैलकुलेट कैसे करनी है, कि आप लोग अगर आपका बीएसआर किस लेवल पे पहुंचा हुआ है, तो आपकी अभी एस्टिमेटेड सेल्स कितनी होंगी और आपका रेवेन्यू टोटल कितना बन रहा होगा, केडी स्पाई को कैसे यूज करना है, ठीक है, और ये सारी चीजें। तो ये इसमें प्रॉपर सेपरेट सेशन होगा जिसमें मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई स्ट्रांगली अग्री विद यू, अगर आपने शॉपिफाई मेरा लिया हो, अगर आपने प्रॉबली शायद आपने नहीं लिया हो क्योंकि आप शायद केडीपी के लिए स्पेसिफिकली आई हैं, लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली, तो मैंने, अगर आप मेरा अमेजोन एसोसिएट्स देखें और अगर आप मेरा शॉपिफाई देखें, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस निश रिसर्च के ऊपर करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे। तो दिस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, मैं निश रिसर्च, टॉपिक रिसर्च के ऊपर बात कर रहा हूँ प्रॉपरली, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि व्हाट यू कैन डू, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अभी अपनी ऑडियंस अभी से अपनी जो है बनाना चाहें एफबीएड्स के जरिए, मैं अपना कोई पेज बना लूँ ऐसा जिसके जरिए मैं ऑडियंस को टारगेट करूँ, क्योंकि जब मुझे ये पता होगा कि निश कौन सी ज्यादा डिमांडिंग है, तो मैं वैसी लिखूंगी, वैसी अपनी ऑडियंस कनेक्ट करूंगी, तो मैं समझती हूँ कि पहले जो ना हमारे पहले डिमांड का हमें बताना चाहिए था,
ताकि फिर हम उस तरह से माइंड बनाए, उस तरह से मार्केटिंग स्टार्ट कर दें अपनी। I agree. मैं समझ गया, आप बेसिकली प्री लॉन्च फेज की बात कर रही हैं कि मतलब लॉन्च होने से पहले। डोंट वरी, जब मैं आपको निश रिसर्च बताऊंगा ना तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जाहिर सी बात है उसमें फिर उसमें पीएम्स असाइन होंगे, फिर आप पीएम्स को कुछ चीजें दे रही होंगी अपनी निशेज, और मतलब फिर वो हम लोग बैठ के। मैं खुद पीएम हूं, मैं खुद पीएम हूं, मैं खुद जो है वो अपनी मार्केटिंग खुद कर सकती हूं, खुद करूंगी सारे काम। तो मुझे मेंटली अपना खुद जो है वो स्टार्ट करना है कि मैं कहां से, कौन सी निश में ज्यादा डिमांड है, मैं कहां से स्टार्ट करूं। दूसरी बात मेरी ये थी कि ज़हन से निकल गया क्वेश्चन, मेरे ज़हन में था भी दूसरा क्वेश्चन। हाँ, मैं चाह रही थी कि इस तरह अब पीसी के स्टूडेंट को सबकी सपोर्ट मिलती है पीसी पीएल लॉन्च करने के लिए, तो हमारा इतनी सपोर्ट होनी चाहिए कि इस तरह से हमें पूरी रिसर्च के वक्त भी हमारी पूरी सही से दिखा जाए कि हमने सही से रिसर्च की, यानी कि इस तरह हमारी प्रोडक्ट रिसर्च होती है। फिर उसी के अलावा फिर हमें कैसे लॉन्च करनी है उसकी बुक के हर, मैं समझती थी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि बीसी मुझे हर उसमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं स्पेशली इनरोल्ड में किंडल में हुई हूँ। तो क्या आप लोग प्लानिंग ऐसी है हमारे एक्सपेक्टेशन मुताबिक? 100% हमारी बिल्कुल ऐसी प्लानिंग है, हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के पीछे भाग रहे हैं। मैंने वही बोला ना आपको, असल में आप माशाल्लाह सिर्फ केडीपी के लिए हुई हैं इनरोल, अगर आप मेरे दूसरे सेटअप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग जो है बाकायदा हर स्टूडेंट्स को डिलीवरेबल्स पूरे करवा रहे होंगे, उनके लॉन्चेस करवा रहे होंगे। आई एम मोर देन ग्लैड कि आप केडीपी के लिए हुई हैं, आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स लाइक यू कमिंग आउट फ्रॉम द पूल of students who are interested in KDP, ke wo apni first priority KDP rakhe, taki we have more case studies to show to future incoming students ke bhai haan hamare paas inshallah, yeah, so don't worry about that. Once we come towards the niches, main aapke pre-launch phase ke liye jo na aapko jo bhi sari cheeze chahiye aapko mujhse specifically koi alag se baat karni hai aap kare, aur main aapka launch hone se pehle aapko pre-launch ke liye jitni bhi aapko preparations karni hongi wo aapke paas plenty of time hoga ki aap wo kar le। चलिए बहुत शुक्रिया, मैंने आपको फेसबुक मैसेज किया हुआ था पहले भी। इसके अलावा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि नेक्स्ट उसमें हम जो रिसर्च सीख लेंगे एटलीस्ट नेक्स्ट हमारी, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा ये है कि मुझे देखना ये पड़ेगा कि मेरे पास कितना कंटेंट इन हैंड है, बिकॉज नेक्स्ट फेज में या तो हम लोग दोनों एक साथ चीजें कवर कर लेंगे, बिकॉज मुझे थोड़ा सा टाइमिंग का भी ख्याल रखना है, या तो फिर हम लोग जो है ना सिर्फ रिसर्च करेंगे एंड हो सकता है सम पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन एज वेल, ठीक है? सही, बजट कैलकुलेशन आई गेस इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई शख्स बीसी में है मौजूद तो उसको बहुत सब कुछ अंदाजा होगा मार्केटिंग में कितना लगना है, और मेरे खास से तो एस्टिमेशन होना चाहिए हर स्टूडेंट का जो नहीं, थोड़ा सा ये है चक्कर मैं आपको बताता हूं, बिकॉज़ यहां पे एक तरह की मार्केटिंग की तरफ सब लोग नहीं जा रहे ना, कुछ लोग केडीपी सेलेक्ट के लिए एनरोल करेंगे, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो केडीपी सेलेक्ट करते ही नहीं है, कुछ लोग सिर्फ अमेजोन पेड एड्स के ऊपर करेंगे, तो उनको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि पेड एड्स के लिए कितना बजट रखना है, उनको कितनी हाईएस्ट अपनी खास निश के ऊपर उनको बताना होगा कि उनकी बिट क्या चल रही है। फिर कुछ लोग जो है वीवीआरओस की तरफ जाएंगे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फेयर इन देयर, और प्लस फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो जाएंगे सिर्फ ऑटोमेशन की तरफ, तो वहां पे फिर मुझे उन लोगों को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। सो या चलिए सही, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है गाइस, आई एम ऑफ देन, एंड फॉर दोज मैं फिर बता देता हूँ, आई डू नॉट माइंड हेल्पिंग एनीवन, बट बिकॉज वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बस ये बात तुम लोग को याद रखनी है कि ट्राई टू, if you want to get in touch with me, try to get your questions from the EC community. EC community pe post karo, wahan pe I'll get to you. Sahi hai? Chalo, theek hai, sahi hai. Okay then, take care. Allah Hafiz.